Anika, look at this dress. ये कितना लूज है। जिया, तुमने वेट लूज किया होगा। पर अगर ऐसा होता तो सारी ड्रेसेस लूज होते ना। This one. Now look at this dress. ये इतना टाइट है कि इसमें सांस भी नहीं ली सकती। और इसका ज़िप भी ठीक नहीं है। You know what, Anika? Just call the designer. किसी भी ड्रेस की फिटिंग प्रॉपर नहीं है। कुछ ही दिनों में शादी है। And not even one dress is final. This is. एक मिनट दिया। ये लो दिया। अब अनिका, ये दो क्लासेस किस लिए? तुम्हारे लिए। पर मैं दो क्लास में पानी थोड़ी पीऊंगी। हाँ, वो मुझे लगा तुम ऐसी पानी पीती हो, क्योंकि मैंने वीडियो कॉल पे देखा था कि तुम्हारे कमरे में दो ग्लासेस पड़े थे, तो मुझे लगा शायद तुम दो ग्लासेस से पानी पीती हो। लो ना, पानी पियो। I don't know, कोई आया होगा। Anyways, प्लीज डिजाइनर को कॉल करो और उसे बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। हाँ, मैं डिजाइनर को बुला लेती हूँ। और हाँ टिया, जरा तुम भी ना वो अल्टरनेट ब्लाउज के बारे में डिजाइनर को बता देना। मैंने बोला था उसे, मैंने बोला क्या था, मैं तो सीधे लड़ पड़ी उससे। मैंने उससे कहा कि ऐसे ब्लाउज का बटन कैसे खुल सकता है, उल्टा मुझ पे चढ़ने लगा। मुझे बोलता ऐसे बटन खुल ही नहीं सकता। बोलता है कि जरूर किसी ने खोला होगा। मैंने कहा क्या, किसी ने खोला होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। अनिका, तुम डिजाइनर को छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पता नहीं डिजाइनर ऐसे। एक्सक्यूज मी, कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे कॉल मत किया करो, स्पेशली जब मैं ओबरॉय मैंशन में होती हूँ। नो बेबी, बट यू नो ना कि कितना रिस्की हो सकता है। ओके, अब कहोगे क्यों फोन किया? व्हाट? मेरे लिए? How sweet. कहाँ चली गई ये टिया? टाइम बता देती तो मैं डिजाइनर को बुला लेती ना। एक काम करती हूँ, खुद ही जाके पूछ लेती हूँ। देख लिया तो? ओके बेबी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बेटे की, ये टीएनडी क्या है? टी से तो टिया, पर टी से तो बिल्लू जी नहीं है, तो ये डी है कौन? इस टी एंड डी का तो राज मैं पता कर कर ही रहूंगी। अनिका, आई एम सो सॉरी अनिका, आई हैड टू टेक दैट कॉल। कोई नहीं, बड़ी खिड़की तोड़ स्माइल आई हुई है तुम्हारे फेस पे टिया। नो मानिका, आई एम नॉट स्माइलिंग। अब वो गिफ्ट है क्या? नो, इट्स नथिंग। पता टिया, गिफ्ट का ना रंग अलग से दिखाई देता है शक्ल पे। अब बताओ ना क्या मिला है? कोई रोमांटिक टाइप गिफ्ट है ना? Anika, I'm sorry, but this is personal. Sorry, dear. Anyways, वो तुम dress के बारे में क्या कह रही थी? और तुमने इस designer को call किया कि नहीं? And this, no.
ये टी एंड डी का टी क्या है? ओ मैं माता शिटिया की फर्स्ट कपल्स पूजा निका, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, मालूम है टेंशन से आधी हो गई हूँ। सच में बड़ी इम्पोर्टेंट पूजा है, तूने पूजा की सामग्री तैयार कर दी ना? जी आंटी जी, जो हाँ। पंडित जी ने मुझे लिस्ट भेजी थी वो सारा सामान आ गया। अच्छा, और वो कुशन जिसपे शिटिया बैठेंगी पूजा? हाँ जी, ये देखिए। आय हाय, ये 5 पैसे के सिक्के जैसे दिखने वाले कुशन पे थोड़ी बैठेगा मेरा शिवाय। नॉट नाइस अनिका। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं इस कुशन के कवर बनवा दूंगी। आप एक काम कीजिए, बस मुझे ना शेड कार्ड में से कलर सिलेक्ट करके बता दीजिए कौन सा अच्छा लगता है आपको। है, ये तो लालटेन का लग रहा है, ये ब्राइट वाले दिखा। वेरी नाइस। इनकी तुम इस पूजा को लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? और पूजा में ये कुशंस कौन देखता है? मैं देखती हूँ। अरे जिठानी जी, बड़ी इंपॉर्टेंट पूजा है, आप समझ नहीं रहे हो, मेरे शिटिया की फर्स्ट कपल्स पूजा जो है। देखो ये वाला कलर कैसा लगेगा, पॉपी ऑरेंज, ये बेस्ट है। गुड मॉर्निंग जिया। ये बेटा ये देख, स्ट्रॉबेरी फिल्ड पिंक कैसे रहेगा। तुम दोनों ना इस कलर के कुशन पे बैठकर पूजा करोगे। इट्स नाइस बट थोड़ा टैकी है, नहीं? हाँ। और काफी लाउड भी। हाय, तूने तो मेरी स्ट्रॉबेरी फील्ड की पूरी ओ माय माता कर दी। मेरे पास ना दो दो सूट है मेरी वॉक इन वार्डरोब में इस कलर्स के। ओ आंटी, पर आई एम शॉक कि कलर आप पे बहुत अच्छा लगता होगा। ओ माय, आई लाइक दिस कलर। यू नो फेस्टिव सीजन में वाइब्रेंट कलर्स अच्छे लगते हैं। आप ये ही बनवाइए। ओके निका, अब तू इसी कलर के कुशन बना। अच्छा सुन, ये कलश ना पूजा का मेन कलश है, इसका मुंह हमेशा पूरब की तरफ रहना चाहिए थ्रू आउट द पूजा। संभाल के ना, थोड़ा भारी है वो कलश ना, गिर। आराम से अनिका, सेंटर में अनिका, उधर नहीं पीछे ला, पीछे। अरे पूरब में फेसिंग चाहिए ना, उस तरफ कर, मूर्ति की तरफ। अनिका ठीक है, तू समझदार है, चल आगे कर उसे थोड़ा, मूर्ति से लगा के नहीं, मूर्ति से पीछे, ऊपर से ठीक। हाँ ऊपर ला, लेफ्ट लेफ्ट लेके जा अनिका, उसे आगे लेके जा बेटा। ये लड़की एक तो समझती नहीं है जिठानी जी। जिठानी जी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे ना? पहनेगी ना जो मैंने तुझे दी थी? कौस आंटी, हाय कितनी स्वीट है, जो मैं कहती हूँ सुनती है, गाय मेरी काउज। और वो ज्वेलरी कौन सी डालेगी? मुझे पता है टिया, वही वाली जो आपको गिफ्ट में मिली है। गिफ्ट आपको नहीं पता आंटी जी? नहीं, वो बिल्लू जी ने इन्हें बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है। हाय हाय, बड़ी गिफ्ट शिफ्ट देने लगा है तू तो। मेरे बर्थडे पे तो वो वजन तोलने वाली मशीन दे दी थी, पूरी रात रोती रही मैं। मॉम मैंने इटिया को कोई ज्वेलरी गिफ्ट नहीं की। आंटी जी ये बस शर्मा रहे, मैंने वो गिफ्ट खुद देखा है। तुम कुछ भी देखती रहती हो, आप बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना ही कहा ना कि मैंने टिया के पास वो गिफ्ट देखा था। देखा था, पर मैंने ये कब कहा कि वो गिफ्ट शिवाय बीबी ने मुझे दिया? तुम ही ने कहा ना कि वो पर्सनल गिफ्ट है। पर्सनल मतलब बिल्लू जी, और बिल्लू जी मतलब पर्सनल गिफ्ट। मतलब पर्सनल से आई मीन्ट कि वो गिफ्ट मुझे मेरी मॉम ने दिया था।
लगता है मेरे समझने में गलती हो गई होगी। हमेशा हो जाती है। नहीं, कम से कम मैं कोशिश तो करती हूँ समझने की। I'm sorry, Tia. ठंडाई आ गई। हाय। ठंड पैगी ठंडाई पी के। सच में मम्मी जी ने रेसिपी दी है ना? जी आंटी जी, वो दादी ने मुझे बताया इसमें क्या क्या डलता है। कह रही थी कि इलायची, बादाम, केसर, दालचीनी, शहद और तुलसी जी भी डलती है। अच्छा आंटी जी, दादी ने कहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पूजा है। कह रही थी कि अगर तुलसी जी का आशीर्वाद रहेगा तो प्यार हमेशा बना रहेगा, वरना प्यार में धोखा देते हुए देर नहीं लगती है ना टिया? मुझे कैसे पता होगा अनिका, मैं कहाँ किसी को धोखा दे रही हूँ। या तो ये टिया बहुत चालाक है या मैं बहुत बड़ी पप्पू। अरे हर बार मुझे झूठा साबित कर देती है ये। पर मैं भी ना इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूं। टिया का ढंडा तो मैं फोड़ कर ही रहूंगी, पर उसके लिए सबसे पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि डी है कौन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।